जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित, आप सभी का स्वागत करता हूं माँ नेत्रा नेट जी आर एफ चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट 2022 एग्जाम, जो कि स्टूडेंट 3 बार दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि हम कितने बार एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो सबसे बड़ी चीज़ बताऊँगा कि इस बार एग्ज़ाम भले 2022 में 3 बार हो सकता है, लेकिन इसके देने की लिमिट अनलिमिटेड है। आप 60 साल तक इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं नेट के लिए। अगर JRF की बात करें तो JRF के लिए 30 साल तक का एज लिमिट है, 30 साल तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, साथ ही साथ मैं 2 बार नेट JRF एग्ज़ाम क्रैक कर चुका हूँ। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी UGC नेट एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, JRF निकालना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। इस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट UGC नेट पेपर 1 की क्लासेज मिलेगी, इसके साथ मेरे द्वारा खुद से बनाए गए नोट्स मिलेंगे आपको, साथ ही साथ UGC नेट पेपर 2 अगर हिंदी हिस्ट्री ज्योग्राफी है तो उन सभी सब्जेक्ट की क्लासेज आपको इस चैनल पर मिलेगी। इसके अलावा PhD एडमिशन नोटिफिकेशन और असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट की भी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो अब हम आते हैं टॉपिक पे। यहाँ पर बताना चाहूँगा साथियों कि JRF आपको मात्र 30 साल के तक मिल सकता है, और इसके अलावा आपको एक सब्जेक्ट में एक ही बार मिल सकता है। बहुत सारे साथियों का कहना है कि JRF जो है हम एक से ज़्यादा बार ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। आप ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि आपको किसी अदर सब्जेक्ट में PG होना चाहिए, और उसके बाद अगर आप JRF क्रैक करते हैं तब आपको मिल सकता है, और उसके लिए फिर से आपको PhD में इनरोल होना पड़ेगा, तब आपको दोबारा मिल सकता है। तो मित्रों, इसी तरीके के अपडेट और जानकारी पाते रहने के लिए, और या अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप जरूर कमेंट में लिखें, टेलीग्राम चैनल से जुड़ के डायरेक्ट हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर PhD एडमिशन में सिनॉप्सिस से संबंधित परेशानी आ रही है, इंटरव्यू फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, तो कोई भी अगर आपके पास इशू है तो आप हमसे कमेंट करके आप राय ले सकते हैं, कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो। साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। आप देख रहे थे माँ नेत्रा नेट JRF चैनल। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।